फ्रेंड, मैं सिमरन वर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी पेज लेआउट मेन्यू के ही हेल्प से हम और कौन कौन से टूल्स चेक कर सकते हैं। तो पेज लेआउट के हेल्प से हम अपने पेज पे बहुत सारे सेटअप या सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे पेज लेआउट पे, मीन्स डिज़ाइन मेन्यू से, और उसके साथ ही साथ हम व्यू मेन्यू भी चेक करेंगे। उसके हेल्प से हम पेज पे क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल पेज पे हम मार्जिन कैसे ला सकते हैं, मार्जिन कैसे राइट लेफ्ट मिडिल में सेट कर सकते हैं, मार्जिन कभी पेज पे दिखे ही नहीं तो वो कैसे आता है, तो ये सारी चीज़ें आज हम चेक करेंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। ये हमारा एक वर्ड फाइल, ये रहा हमारे पास पेज लेआउट मेन्यू। पेज लेआउट मेन्यू से आज हम सीखेंगे मार्जिन सेट करना। तो पेज लेआउट मेन्यू ये हमें पेज पे मार्जिन लाना दिखलाएगा। जैसे अभी कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मीन्स आप जो कुछ भी लिखना शुरू करेंगे, जैसे ये यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हम इसे कभी और ज़्यादा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं? मतलब ये तो हुआ पेज का खुद का मार्जिन सेट है, इतना पेज में मार्जिन छूटा है, देन आप इधर से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो क्या आप खुद से मार्जिन सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इसे एप्पल को कैप्चर करके रखते हैं, इससे हमको पता चलेगा ये सेट हो रहा है या नहीं। कुछ लिखा हुआ रहेगा तो वो ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ वो सेट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एप्पल लिखा, ऐसे तो आपको पूरे पेज पे बहुत सारे नोट्स लिखने के बाद भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे एप्पल लिखा, ये पेज लेआउट देखिए, इसके हेल्प से हम एक मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो इसके एरो पे आप क्लिक कीजिए, लिखा है ना एडजस्ट करने के लिए मार्जिन, सेट द मार्जिन साइज फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट्स। पूरे डॉक्यूमेंट्स में, केवल एक वर्ड पे नहीं, आप इस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जितने लेटर पोएम नोट्स जो भी टाइप करके रखेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स में ये सेटिंग कर सकता है। तो एक मैंने एप्पल लिखा है, इससे भी ये मूव होता समझ आएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, ये रहा मार्जिन। देखिए ये मार्जिन है कि ऊपर में इतना मार्जिन चलना छूटना है, नीचे इतना, राइट और लेफ्ट साइड इतना, और ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है स्टार से, बस आप इतने ही लिख पाओगे। तो ये लेते हैं, देखिए उसके हिसाब से ऊपर का मार्जिन इतना, नीचे का, और इसके बाद से आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते। जितने दूर भी आप जाएंगे, जो मार्जिन सेट हो गया है, आप उससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। जैसे ये एप्पल लिखा हुआ है, देन मैं कुछ और टाइप करती हूँ, देन कुछ और टाइप करती हूँ, वो अपने आप नीचे आ गया, इधर का मार्जिन छूट गया। ठीक है, ये वर्ड छोटा करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं। देखिए देखिए इससे क्या हो रहा है, वो अपने आप सेट हो जाएगा। वो जो भी आप वो वर्ड टाइप कीजिए, अगर वर्ड कुछ ज़्यादा लंबा भी होगा तो हाफ देखिए आ जा रहा है उसको, जैसे इसको हम छोटा करेंगे तो एडजस्ट हो जा रहा है। अब जैसे कुछ लिखना शुरू करेंगे वो सीधा नीचे आ जाएगा, और अगर दो शब्द कैरेक्टर का है तो देखिए एडजस्ट हो जाए, तीसरा कैरेक्टर जैसे डाला लेटर डाला वो नीचे। तो क्योंकि ये मार्जिन ऐसे सेट है, ठीक है, तो इसके हेल्प से हमें पता चलता है कि हम मार्जिन सेट कर रखें कि पेज के ऊपर में इतना मार्जिन छूटना है, राइट लेफ्ट साइड, और नीचे भी उतना ही। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे मार्जिन है हमारे पास, जैसा हमने सेट किया ऐसे काम हो रहा है। इस पे देखिए थोड़ा सा कम है, उस पे देखिए बिल्कुल ही कम है, सेट कर सकते। तो देखिए इसके अनुसार क्या हुआ, मार्जिन कम छूटा, लेकिन जैसे ऊपर वाले पे थे या दूसरे वाले पे, ये तो बहुत ज़्यादा मैचेबल ही है, तो देखिए इतना सारा था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है पेज पे जगह और मार्जिन कम है, देखिए बिल्कुल आपको ऊपर ले गया ये। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा कम, ये उससे भी बहुत, बीच में बहुत ही कम स्पेस दे रहा, देखिए ये, और ये लास्ट वाला तो एकदम ही डिफरेंट। तो ये अलग अलग मार्जिन है आपका। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, पेज लेआउट मेन्यू की हेल्प से आप सेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन। जैसा हम लोग सेट कर रहे हैं वो ऐसे चेंज होता चला जा रहा है। चलिए उसके आगे एक आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स आपके चेंज का, आपके पेज का ना चेंज कर देगा ओरिएंटेशन, मीन्स आपको पेज जो है वो किस स्टाइल में चाहिए। मतलब हमारे पास जो चीज़ें होती है वो दो तरीके से तो हो सकती है, मीन्स या तो वो लंबाई ज़्यादा होगा या उस चीज़ की चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो यही काम हमारे पेज के साथ भी हो सकता है, या तो हम पेज लंबाई वाइज ले सकते हैं या फिर चौड़ाई वाइज। मतलब एक होता है ना हॉरिजॉन्टिकल वर्टिकल बोलना, तो मतलब हम पेज को क्या लैंडस्केप कर सकते हैं या पोर्ट्रेट कर सकते हैं। इसके लिए हम ओरिएंटेशन में चलते हैं। देखिए ये लिखा है आपका पोर्ट्रेट, मीन्स आपका पेज जो है वो लंबाई में आएगा, और अगर लैंडस्केप कर दिया तो पेज इस साइड में आएगा। जैसे पोर्ट्रेट तो ऑलरेडी तो ये लंबाई में ही है, लैंडस्केप ले लेते हैं, देखिए पेज आपका चौड़ाई में आ गया। तो ये आप ये भी सेट कर सकते हैं। देन साइज वगैरह है पेज का, लेटर लिखने के क्या क्या साइज है, इसमें सबसे मिनिमम जो साइज है वो आपको बतलाएगा। अगर आप इधर में ये ले लेते हैं, देन वो आपको बोलेगा टॉप और बॉटम का मार्जिन आर टू लार्ज फॉर द पेज हाइट इज सम सेक्शन। ठीक है, तो वो आपको बतला रहा है कि वो तो बहुत ज़्यादा ही मार्जिन आप पेज में छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज है, इसके हेल्प से आप साइज सेट कर सकते हैं।
और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे ये लाइन बहुत ही नीचे आ गया, बट हम चाहते हैं कि ये पेज यहाँ ऊपर चला जाए। देखिए मैं बैक कर रही हूँ लेकिन ये बैक स्पेस से जा नहीं रहा है। जैसे हम पेज पे डबल क्लिक किए, ये मैंने कुछ टाइप किया, अब मुझे इसे बैक में लाना है। मैं एन के पहले कर्सर रख के बैक स्पेस प्रेस करती हूँ। देखिए ये बैक जा रहा है ना, इसे मैं वापस भेज पा रही हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे कर्सर रख रही हूँ ए के पहले और बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ, तो ये ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक मार्जिन सेट कर रखा है। तो जिस मार्जिन को हमने सेट कर रखा है, देखिए अब मार्जिन का स्टाइल भी लैंडस्केप वाइज आ गया। और जैसे हम लोगों ने ओरिएंटेशन में पहला पोर्ट्रेट रखा था, तो देखिए मार्जिन भी पोर्ट्रेट साइज खुलता है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके पेज का साइज कैसा है, स्टाइल कैसा है, और आप उस पर कैसा मार्जिन सेट करेंगे। अब मैं बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ तो ये नहीं जा रहा है, ये बहुत ही, अब मैं बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ तो वापस नहीं जा रहा है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो अगर हमारे पास मार्जिन यहाँ पे 100 होता तो हम इसे इजिली ले सकते थे। इसके वजह से, इसके हेल्प से तो हमने सेट कर दिया, जैसा सेट किया वैसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा वाला लिया था तो ज़्यादा दिख रहा था, कम वाला लिया तो कम। क्या मार्जिन सेट किए बगैर भी हम इस चीज़ को मूव करा सकते हैं? जैसे भी हम दूसरा वाला मार्जिन ले लेते, ये ले लिया तो बिल्कुल नीचे आ गया, तो क्या इसके बगैर भी हम मार्जिन सेट करने के बगैर भी इसको वापस ले सकते? देखिए बैक स्पेस से तो ये वापस जा नहीं रहा है, बिल्कुल हम ले सकते हैं। देखिए आपके पास एक कॉलम है, वन कॉलम, टू कॉलम, जैसे कॉलम वाइज किया टू कॉलम, तो जैसे लिखे हुए थे हाफ इधर ऐसे आ गया थ्री कॉलम। देखिए ऐसे, तो आप पेज लेआउट के हेल्प से मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम तो ला ही रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात आपको बोल रही थी कि क्या हम इसको अपने मन से मूव करा सकते हैं, तो बैक स्पेस से तो ये सेट नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे सेट होगा? देखिए ये रहा आपका व्यू मेन्यू और ये आपका रहा रूल। ये आपने व्यू मेन्यू पे क्लिक किया, ये आपका रूलर। तो रूलर जैसे आपने क्लिक किया, देखिए रूलर नहीं है, साइड में आपका मार्जिन का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे आपने रूलर पे क्लिक किया, देखिए ये मार्जिन आपके साइड साथ आ गया। ये ना सिर्फ आपके टैक्स पे काम कराता है, ये आपके बुलेट्स के साथ साथ आपके टैक्स पे भी काम कराने के लिए बहुत हेल्प करता है। देखिए अभी ये हमारे पास ऐसे है, ये यहाँ है, अगर हमें इसे मूव कराना है आप इजीली ऊपर और नीचे ला सकते हैं। देखिए तो मार्जिन अगर सेट कर रहे हैं तो मार्जिन वाइज तो टाइप हो रहा है, जब हमें लगे कि नहीं मार्जिन बहुत ज़्यादा ही छूट रहा है, उसके अलावा भी हमें पेज अपना बचाना है, ऊपर से लिखना है। देखिए रूलर के हेल्प से आप साइड में मार्जिन ले आ सकते हैं और इजिली मूव करा सकते हैं। तो पेज पे हम लोगों ने ये छोटा सा गैपिंग छोड़ा, देन ये लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे बिल्कुल हम इसे भी ऐसे मूव करा सकते हैं, इसे भी ऐसे मूव करा सकते हैं। तो अभी तो ये फिलहाल टैक्स मूव हो रहा है, हम लोग टैक्स के अलावा टैक्स और बुलेट्स, जब इस पे बुलेट्स भी हो और विथ टैक्स हो, तो हम लोग दोनों काम साथ में कर सकते हैं। तो ये किसके हेल्प से होगा? रूलर के हेल्प से। तो ये तो एक हो गया मेन्यू के थ्रू ये लाना। इसका एक और शॉर्टकट भी है, अगर बाय डिफॉल्ट ही आपके स्क्रीन पे कभी ना दिखे, ऐसा हो कि पेज पे कभी रूलर ना दिखे, तो आप व्यू मेन्यू के हेल्प से तो ला ही सकते हैं। और एक शॉर्टकट है, देखिए पेज के साइड पे जहाँ से आप कर्सर अपना मूव कराते हैं, पेज स्क्रॉल कराते हैं, आप इस एरो पे भी क्लिक करते हैं तो रूलर आ जाता है। ये 2013 वर्जन है, इसमें कुछ डिटेल्स ज़्यादा है आपके मेन्यू के और टूल्स के। 2007 वर्जन हो, 5 हो, उस पर आप इजिली इस पर क्लिक करके ये रूल्स ला सकते हैं। इसके लिए हम लोग व्यू मेन्यू पे चलते हैं, ये हमारा रूलर। तो हमने देखा कि पेज लेआउट के हेल्प से हम पेज पे डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन सेट कर रहे हैं, पेज का साइज सेट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, साइज और कॉलम, और सबसे इम्पोर्टेंट देखा कि व्यू मेन्यू के हेल्प से रूलर सेट करना। ये रूलर नहीं दिखने का मतलब है आप जो भी लाइन लिख रहे हैं वो ऊपर नीचे आप सेट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे व्यू मेन्यू से आप रूलर पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। तो ये कभी अगर ना हो आप इस पे क्लिक करके इसे ला सकते हैं, बट ये 2017 वर्जन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए ये इस पे पॉसिबल नहीं है, बट आप 7 वर्जन पे इस पे क्लिक करके इजिली ला सकते हैं। तो देखिए इसके हेल्प से हम लोग इसे इजिली मूव करा सकते हैं, मीन्स अपने मन अनुसार, अपने इच्छा से हम अपना जितना मार्जिन छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, उसे प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। मार्जिन हमें कितना छोड़ना है ये हम अपने मन से इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास है रूलर के नीचे ग्रिप। जैसा कि ग्रिप बोलने से ही पता चल रहा है ना, तो ग्रिप लाइंस आ जाएंगे, मीन्स आपके पेज पे टेबल वाइज आ जाएगा। चलिए क्लिक करते हैं ग्रिप पे, तो ये रहा। तो ये आप अपने पेज पे एक ग्रिप ला सकते हैं, मीन्स ग्राफ बनाने के लिए भी ये आप ला सकते हैं। ये जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ये टेबल वाइज आ गया, ग्रिप वाइज आ गया। जो हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं, हमारी ग्राफ की कॉपी में बिल्कुल ऐसी ग्रिप रहते हैं, जिससे हमें ग्राफ बनाने में, उसे हाईलाइट करने में बहुत हेल्प होता है।
तो आपके ऑफिस में ऐसा कोई काम हो जिसमें आपको वर्ड के पेज पे ही ग्रिप चाहिए हो, तो आप व्यू मेन्यू की हेल्प से इजिली ग्रिप्स ला सकते हो। जैसा आपका काम हो, आपको ग्राफ बनाना है, उसको कलर करना, आप इजिली कलर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम पेज जूम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो 100% जूम दिख ही रहा है, इस वाले साइन पे जहाँ जूम लिखा है उस पर क्लिक करके हम अपने मन से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ 200, 175% तो लिखा है, आपको जो चाहिए इसके अलावा तो आप परसेंटेज पे इजिली टाइप कर सकते हैं। 85 तो है नहीं, 75 है, आप ओके करके उस साइज पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज पेज लेआउट और व्यू मेन्यू के हेल्प से हम लोगों ने देखा पेज पे मार्जिन सेट करना, पेज में पेज का हम लोगों ने ओरिएंटेशन सीखा, साइज और कॉलम सीखा। कॉलम से हमने ये देखा कि वो 2 कॉलम 3 कॉलम में कैसे डिवाइड हो सकता है। तो ये रहा आज का आपका टूल्स, एक पेज लेआउट और एक व्यू मेन्यू, उसके हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम वगैरह। चलिए देन, थैंक यू।